पुरानी परंपरा को निभाना होगा, वेद पुराणों शास्त्रों की बात को भी मानना होगा। मेरे प्रिय देशवासियों, हम सबको कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण की चिंता रहती है, डर रहता है कि हम आखिरकार इस बीमारी से कब छुटकारा पाएंगे। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर से लेकर समाज सेवी, पत्रकार साथी मेहनत कर रहे हैं जागरूक बनाने की, सुरक्षा व्यवस्था देने की। पर आज हमें इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ कुछ पुरानी परंपराओं को भी याद करना होगा कि कैसे वेद पुराणों में यज्ञ धूप का महत्व बताया है। आज हम वही बात आपको बता रहे हैं। आप भी अपने घर में वायुमंडल की शुद्धता के लिए घर में पूजा के समय सुबह शाम एक छोटा सा यज्ञ करें। घर पर, बालकनी पर, छत पर, जिसे हम सुरक्षा की दृष्टि से गणपति को याद कर इस जलती हुई आग में आम की लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कपूर डालें और घी, यकीन मानिए। विनायक न्यूज मध्य प्रदेश आपसे कहता है, शुद्धता का वातावरण हमको अगर लाना है तो घर घर में यह अभियान छोड़िए और करिए। विनायक न्यूज मध्य प्रदेश का अभियान जारी हो गया है। हम सभी नगर शहर ग्राम वासियों से निवेदन करते हैं, पुरानी परंपरा की बातों को भी माने। शुद्धता के लिए वायुमंडल हवा में तेजी से बदलाव के लिए यह छोटा सा यज्ञ श्री गणपति के नाम पर करके इस बीमारी के संकट से हम छुटकारा जल्दी पाएंगे। एक बार जरूर इस यज्ञशाला में गणपति को मनाते हुए, रिद्धि सिद्धि माता को याद करते हुए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः की आहुति छोड़कर अपने आप पर सुरक्षित कवच कर क्षेत्र हित, समाज हित की बात करते हुए पुरानी परंपरा निभाते हुए यह कार्य करें। विनायक न्यूज मध्य प्रदेश आपसे अपील करता है।